नमस्कार, बोल दिल्ली बोल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए वैक्सीन आई थी। वैक्सीन के आने से लोगों में कुछ उम्मीद जगी थी कि अब हम जी जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना एक के बाद एक लोगों को बेमौत मार रही थी, तो लोगों में वैक्सीन जो है किसी संजीवनी से कम नहीं थी। 1 मई से वैक्सीन का तीसरे चरण की शुरुआत होनी थी, लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत की वजह से शुरुआत नहीं हो पाई। अब लोगों में अब ये परेशानी है, लोग हैरान है कि आखिर वैक्सीन गई तो गई कहाँ, अब लोग कैसे बचेंगे। तो आज वैक्सीन की कमी को लेकर हमने दिल्ली वालों से बात की, तो सुनिए दिल्ली वाले क्या कहते हैं। वैक्सीन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम पूरे देश की मदद कर रहे हैं, पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं, सब जगह वैक्सीन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों की मदद करने से पहले वैक्सीन पे हक तो हमारा अपनों का है ना, पहले हमें मिलना चाहिए, उसके बाद जो बचे वो हम दूसरों की मदद करें उससे। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले देश में देने के बजाय दूसरे देशों में बांट दी। आज हालत ये आ गई, शुरू में कुछ दिन लोगों को वैक्सीन मिली, आज हर स्टेट में वैक्सीन की शॉर्टेज है, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है, सरकार का सिस्टम पूरी तरह से फेल है। सरकार ने पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया कोरोना को, सरकार ने उससे कोई सीख नहीं ली, उसके लिए सरकार ने कोई पहले से कोई तैयारी नहीं की। आज ये हालत हो गई कि इतने ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है बिल्कुल भी। सरकार ने इसके लिए कुछ भी अभी तक कोई तैयारी नहीं की, इसके लिए सरकार की लापरवाही हैगी और सरकार को ये देखना चाहिए पहले हमारे देश के जो जनता है, हमारे देश के जो लोग हैंगे, पहले हम इस महामारी से जूझे तो बाहर के देशों में तो बाद में दी जाए। और यहाँ पर लोगों को देख रहे हो, क्या बोलते हैं, शमशान घाट में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, परेशान हैंगे भूख से, प्यास से, काम से, धंधे से, सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है। जाहिर सी बात है सरकार ही है, सरकार को ही एक्शन लेना चाहिए। हम इलेक्शन में वोट देते हैं तो सरकार को वोट देते हैं कि सरकार हमारी हर चीज़ का ध्यान रखे, हर चीज़ के ऊपर हमें, क्या बोलते हैं, सहूलियत प्रोवाइड करे। अब सरकार ही हमारे पे नहीं वो कर रही है तो हम किसके वो आएंगे। ये सर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है पूरा नहीं कर पा रहे, इस वजह से दिक्कत है थोड़ी सी। तो इसका खामियाजा पब्लिक क्यों भुगतेगी, पब्लिक भुगतती इसका खामियाजा? पब्लिक अब वोटिंग करती है लेकिन ये सरकार समझती नहीं, इधर उधर मतलब दे रखी सारी वैक्सीन और दिल्ली को पूरा कर नहीं पा रहे। मेन वैक्सीन ही है, वैक्सीन ही मांग रहा हर आदमी जो हॉस्पिटल जा रहा, सब कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है और कोई दिक्कत नहीं है। देश की सरकार पूरी तरह से ढोंग कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, यहाँ की परिस्थिति बड़ी ख़राब है। आम नागरिक अपनी बहुत बुरी परिस्थिति में अपना जीवन सर्वाइव कर रहा है, लेकिन सरकार की एजेंसी या सरकार का जो नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक राइट से भी हमें अनदेखी की जा रही है। केवल चुनाव, गद्दी, शासन, सत्ता, उसी चीज़ को लेकर लगातार लोग काम कर रहे हैं। इनको किसी की जान से कोई परवाह नहीं है। कल जैसे 2 मई को चुनावी नतीजे आए हैं, उससे पहले तक कार्यक्रम बंगाल में भी नहीं था, कल बंगाल की भी गाइडलाइन चेंज कर दी, पूरे देश को घरों में कैद किया जा रहा है। हम तो केवल अपनी मूलभूत सुविधा के लिए सरकार के सामने हाथ फैला रहा है, उनसे भी हमें वंचित करके घरों में कैद कर दिया गया। जो हालत घाटी में होती थी वो आज दिल्ली में हो रखी है। शाम को 6 बजे अनाउंसमेंट होता है, रात को 10 बजे से अगले 10 दिनों तक लॉकडाउन, घर में कैद, घर बैठे बैठे 3 दिन पहले बता दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड। सरकार किस लिए चलाई जा रही है, केवल अपने खजाने भरने के लिए, अपने मंत्री अपने लोगों को पेट भरने के लिए। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियमन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। टोटल फेलियर पूरी दिल्ली सरकार और उससे बुरा बदतर हालत है केंद्र सरकार का। दिल्ली वाले कहते हैं अगर वैक्सीन हमें मिल जाती तो शायद आज इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती। आज वैक्सीन की किल्लत के लिए जिम्मेदार है सरकार, जिस सरकार को हमने और आपने चुना था। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि जनता मर रही है, बेमौत मारी जा रही है। सरकार को चिंता थी बंगाल के चुनाव की, सरकार को चिंता थी आसाम के चुनाव की, सरकार को चिंता थी केरला के चुनाव की, जहां पर जो नतीजा आने के बाद जो भी हुआ हो, लेकिन आज वैक्सीन की कमी का खामियाजा पूरे देश के लोग भुगत रहे हैं और इसके सीधे सीधे जनता ने जिम्मेदार बताया है सरकार को। यहाँ पर सर राहुल के साथ सुरेश झा, ABNN न्यूज़, दिल्ली।